बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आई एम सादिया महबूब फ्रॉम नर्सरी के जी विंग ऑफ डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज लाहौर। टुडे आई विल शेयर सम यूजफुल टिप्स इन मैथ्स फॉर आर न्यू बिगनर्स लाइक नर्सरी स्टूडेंट्स। मॉन्टेसरी लेवल पर जो बच्चे की स्टार्टिंग एज होती है स्कूल एडमिशन के लिए या मॉन्टेसरी में एडमिशन के लिए, वो अराउंड अबाउट 2.5 ईयर से स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत अर्ली एज होती है। इसमें बच्चे की पेंसिल ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन सम हाउ अगर पेरेंट्स थोड़ा बहुत घर में बच्चे को कलरिंग वगैरह करवा रहे हैं सपोज, तो फिर उनकी पेंसिल ग्रिप जो है बहुत लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो जब हमारे पास बच्चे आते हैं मॉन्टेसरी लेवल पर स्कूल एडमिशन होता है उनका, तो हम सबसे पहले जो फोकस करते हैं पेंसिल ग्रिप है। पेंसिल ग्रिप मींस हाउ टू होल्ड अ पेंसिल, ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर। उसके लिए ये मैंने एक स्लाइड ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 3 points के नंबर्स के साथ जो है 1, 2, 3 के साथ बताया गया है कि किस तरह से बच्चे को पेंसिल पकड़ना बताना है, जो कि 3 2 fingers जो हैं विद 1 thumb के साथ जो है बच्चा पेंसिल को होल्ड करता है, चाहे वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, सेम मेथड ही अडॉप्ट किया जाएगा और बच्चे को बताया जाए बकायदा पेंसिल पकड़ के और उसको बार बार प्रैक्टिस करवाई जाए। क्योंकि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनकी उनको नहीं पता होता कि उन्होंने पेंसिल किस तरह पकड़नी है और समटाइम पेरेंट्स भी इस चीज़ को बॉदर नहीं करते, वो ये समझते हैं कि बच्चे ने पेंसिल बस पकड़ी हुई है, वो जिस तरह से भी पकड़ी हुई है एटलीस्ट वो लिख रहा है, उस काम कर रहा है तो बस यही इनफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉन्टेसरी रूल्स के मुताबिक पेंसिल ग्रिप जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है ताकि बच्चे की एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बने पेंसिल पे और उसके मुताबिक वो काम कर सके। तो आप देख सकते हैं इस पेंसिल ग्रिप में नंबर 1, 2, 3 यानी 3 2 fingers और थंब की मदद से जिस तरह से पेंसिल को पकड़ा गया है, टॉल फिंगर जो है वो साइड पे है, थंब जो है वो पैड उस पर है, पॉइंटिंग फिंगर है टिप पर और फिंगर्स तमाम जो हैं वो स्लाइटली बेंड की गई हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस, मैं आपके साथ बच्चे जो बिगनर्स के लिए कुछ लाइंस का कॉन्सेप्ट शेयर करना चाह रही हूँ। हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले उनको पेंसिल ग्रिप सिखाई जाती है, उसके बाद उनको लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। मेरे नज़दीक ये कॉन्सेप्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि इससे बच्चे के लिए राइटिंग करना आसान हो जाता है, चाहे वो नंबर्स राइटिंग हो, अल्फ़ाबेट राइटिंग हो या उर्दू के हरूफ लिखने हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लाइंस आपके सामने जो ड्रॉ की हुई हैं, स्ट्रेट लाइन, देन अ स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन, स्लैश, अगेन स्लैश, राइट लेफ्ट स्लैश, ठीक है, और हाफ सर्कल, देन अगेन हाफ सर्कल। बच्चे को आप राइट लेफ्ट हाफ सर्कल बता सकते हैं या जस्ट वैसे ही ड्रॉ करके बता सकते हैं कि हाफ सर्कल दो तरह से उन्होंने कैसे ड्रॉ करने हैं, देन अ फुल सर्कल एंड अ यू शेप सर्कल या स्माइली बना दें कुछ इस तरह से बच्चे को, क्योंकि बताने के लिए बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा इन लाइन्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही बहुत कुछ नंबर्स जो हैं वो ओरली ही सीखना शुरू कर देता है। जैसे आप उसको बता सकते हैं कि बेटा स्ट्रेट लाइन इज 1, ठीक है, अब ट्रू अगर आपने उनसे ड्रॉ मतलब राइट करवाना है तो आप बता सकते हैं हाफ सर्कल, देन अ लिटिल स्लैश, देन अ स्ट्रेट स्लिपिंग लाइन इज 2। तो जब आप उसको रिकग्निशन करवा रहे होते हैं साथ नंबर दिखा के और उसको इन कॉन्सेप्ट्स का बताएंगे लाइंस की मदद से, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने जहन में बेसिकली रिकग्निशन के साथ साथ उन लाइंस के कॉन्सेप्ट को अपने जहन में वो बिठाता जाएगा। और उसके बाद अगर आप उससे ओरली भी पूछेंगे ना, ज़ुबानी जब भी आप उससे पूछेंगे कि सपोज़ आप उससे 5 का पूछ रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं स्लैश एंड अ हाफ सर्कल देन अ स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन व्हाट इज इट, तो बच्चा अपने माइंड में फौरन रिकॉल करेगा, उसकी एक शेप बनाएगा और आपको बता देगा कि दैट इज़ 5।
आप उसको पूछेंगे अगर स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन देन स्लैश, वो फौरन अपने जहन में उसको रिकॉल करेगा, एक उसका एक इमेज बनाएगा और आपको बताएगा 7। इसी तरह इंग्लिश में भी और मैथ उर्दू में भी हरूफ और अल्फाबेट्स वो भी इन्हीं शेप्स की मदद से बनाए जा सकते हैं। और जब तक ये लाइन कॉन्सेप्ट आप बच्चे को प्रॉपर नहीं होगा, वो प्रॉपर राइटिंग भी नहीं कर सकता। पेंसिल ग्रिप और लाइंस कॉन्सेप्ट के बाद थर्ड नंबर पे रिकॉग्निशन है। जब तक बच्चे को रिकॉग्निशन नहीं होगी नंबर्स की, डेफिनेटली ना तो वो कुछ समझ पाएगा और ना ही कुछ लिख पाएगा। अब रिकॉग्निशन के लिए कुछ चीज़ें, बच्चे को सबसे पहले तो आपने नंबर्स का कॉन्सेप्ट दे दिया, आपने उनको समझा दिया, नंबर्स की रिकॉग्निशन करवा दी, उसको अच्छी तरह से लर्न करवा दिया कि ये नंबर्स कौन से हैं। उसके बाद जब हम उन नंबर्स की राइटिंग की तरफ आते हैं, तो कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो समटाइम बच्चे कर रहे होते हैं या पेरेंट्स की तरफ से हो रही होती हैं। चूंकि जाहिर है स्कूल का पैटर्न नहीं पता होता पेरेंट्स को, तो डेफिनेटली वो अपने तरीके से समटाइम करवा रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मोंटेसरी रूल्स के मुताबिक आपको बताना चाहती हूँ, और इंटरनेशनली जिस तरह से नंबर्स राइटिंग करवाई जाती है, मैं वो थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये कि सबसे पहले तो आपने बच्चे को जब राइटिंग स्टार्ट करवाई, तो डीपीएस में चूंकि ज़ीरो से स्टार्ट करवाया जाता है, लिहाजा आपने ज़ीरो से जब उसको लिखना स्टार्ट करवाया, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि बच्चे को आपने ये बताना है कि ये 0 to 9 जो सिंगल डिजिट्स हैं, दे आर कॉल्ड यूनिट्स, इनको यूनिट्स कहा जाता है। और ये एक 0 to 9 जस्ट लाइक अ फैमिली, फैमिली की तरह है। और जैसे ही 9 के बाद 10 आता है, यानी 2 डिजिट्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपने इसकी प्लेसमेंट चेंज कर देनी है, इसको आपने दूसरी जगह पे लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, नेक्स्ट ब्लॉक में लिखना है। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स कॉपी पे जब लिखना स्टार्ट करवाते हैं, तो वो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, वो नीचे ही करते जाते हैं जब तक कि पेज एंड नहीं होता, और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे लेके आते हैं। जब वो लाइन एंड होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे वो ले जाते हैं, जो कि नहीं रॉन्ग है। आपने बच्चों को ये बताना है कि आपने यूनिट्स अलग लिखने हैं और टेंस अलग लिखने हैं। उसके लिए आपको यूनिट्स और टेंस का कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है, कि जो सिंगल डिजिट्स हैं वो यूनिट्स कहलाएंगे और जो डबल डिजिट्स हैं वो टेंस कहलाते हैं। ये देखिए, अब मैं आपके सामने करेक्ट फॉर्म राइटिंग बता रही हूँ आपको। बिल्कुल इस तरह से आपने बच्चों को कॉपी पे करवाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि 0 to 9 डिजिट्स जो हैं वो एक लाइन में लिखे गए हैं, और जैसे ही उनका नंबर इंक्रीज हुए हैं, टेंस यूनिट्स जो हैं वो टेंस में तब्दील हुए हैं, तो फौरी तौर पे उनको हमने उनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी है और उनको ऊपर नेक्स्ट ब्लॉक में लिखा गया है। तो आप बच्चे को यही बताएंगे कि 0 to 9 जो है वो यूनिट्स हैं, और जैसे ही उनका लेवल इंक्रीज होता है, वो सिंगल से डबल डिजिट्स में आते हैं, डबल नंबर्स जब बन जाएंगे, तो आपने उनको ऊपर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, और ये टेंस कहलाते हैं और 3 नंबर्स भी कहलाते हैं। क्योंकि जब और साथ साथ आप उनको बताएंगे कि जैसे 10, 11, 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, दीज आर 3 नंबर्स, ठीक है। और ये एक फैमिली है, इसको हम 10 की फैमिली भी कह सकते हैं। और जैसे ही 19 के बाद 20, इट मीन के दोबारा से उनका लेवल इंक्रीज हुआ, और वो 20 हम नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि नेक्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे, और वो टी फैमिली है। अब आगे 20, 30, 40, 50 टिल 80, 90 तक जो है ये टी फैमिली कहलाती है, जिसमें कि आप 20 से 29 तक 20 की फैमिली है, 30 से 39 तक 30 की फैमिली, 40 से 49 तक 40 की फैमिली है, और हम 50 तक बच्चों को नर्सरी लेवल पे करवाया जाता है ये, लिहाजा 50 तक ही सब बताया जाएगा। तो 90 तक ये टी फैमिली चलती है, और 99 तक, उसके बाद फिर हंड्रेड्स स्टार्ट हो जाता है, वो कि डेफिनेटली वो तो किसी
केजी लेवल स्टार्ट हो जाता है, तो आपने रिकग्निशन में उनको यही चीज़ें समझानी है कि यूनिट्स क्या हैं, टेंस क्या हैं, और तीन नंबर्स और टी नंबर्स क्या हैं। इनके लिए आप छोटे छोटे से फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं इन्हीं नंबर्स के, उनको सिखाने के लिए, बताने के लिए। और कॉपी पे जब बच्चे को लेकर आना है आपने, तो आपने इसी पैटर्न के मुताबिक जो आप स्लाइड स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी पैटर्न के मुताबिक आपने लेकर चलना है, और इसी तरह से बच्चे को स्टार्ट से ही बताना है ताकि वो स्टार्ट से ही ठीक लिखना शुरू करे, गलत ना करे। अब नेक्स्ट स्टेप पे है राइटिंग फॉर्मेशन। बच्चे को रिकग्निशन भी हो गई है, तो अब हमें डेफिनेटली उनको लिखना सिखाना है। अब लिखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने लिखना किस तरह से है। प्लेसमेंट भी हमने उसको बता दी है कि किस तरह से उन्होंने यूनिट्स अलग लिखने हैं और टीन नंबर्स अलग लिखने हैं, लेकिन उस ज़रूरी ये है बताना कि लिखना किस तरह से है। इसके लिए मैंने ये आपके साथ एक स्लाइड जो ये शेयर कर रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि आपने बच्चे को, मैंने ये डॉट्स लगाए हुए हैं, डॉट्स और उसके नीचे एरो का इंडिकेशन दिया गया है एरो के ज़रिए, ताकि आपको इजी हो समझना कि किस तरह से राइटिंग बच्चे को बतानी है, कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से, यानी अप टू डाउनवर्ड जाना है या डाउन टू अप आना है। क्योंकि बच्चा जो है वो देख के लिखना सीख लेता है उसको, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसने स्टार्ट किस तरह से करना है और कहाँ से करना है, आया अप टू डाउन जाना है या डाउन टू अप जाना है। बच्चे अक्सर हमारे पास प्रैक्टिस में ये चीज़ देखने में आती है कि वो आपके सामने लिख लाते हैं, और वो आपको समटाइम कह भी रहे होते हैं कि हमने लिख तो लिया है ये एज इट इज़ जैसा आपने बताया है, लेकिन ये टीचर ने देखना होता है और घर में पेरेंट्स ने, मदर्स ने, जो भी पढ़ाने वाला है उसने देखना होता है कि आया वो जिस तरीके से लिख रहा है वो भी प्रॉपर है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ कि नंबर वन आप देख रहे हैं जहाँ डॉट लगाया है डॉट से स्टार्ट करना है और अप टू डाउन जाना है। इसी तरह नंबर है, ये स्ट्रेट लाइन है, आप बच्चे को बता सकते हैं। इसी तरह नंबर टू है, आप डॉट से स्टार्ट करवाएं। आप कॉपी पर बच्चे को डॉट लगा कर देंगे, क्योंकि स्कूल में हम बच्चों को डॉट लगा कर देते हैं, और कॉपी में आप भी डॉट लगा कर देंगे। उनको बताएंगे कि हाफ सर्कल एंड अ स्लैश देन अ स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन इज टू। आप इसी तरह से उनको बताएंगे तो वो बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, और साथ साथ इवन आप जुबानी उनको बताते जाएंगे ना, जस्ट ड्रॉ अ हाफ सर्कल देन अ स्लैश एंड देन अ स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन, तो वो खुद ब खुद वही चीज़ ड्रॉ करेगा जो आप उसको नंबर पूछ रहे होंगे। इसी तरह से उसको बताएं कि टू हाफ सर्कल इज थ्री देन स्लैश स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन इज फोर। आपने फोर पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा जो है कभी भी पहले स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ ना करे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस पे क्रॉस लगाया हुआ है उस लाइन पे, आपने सबसे पहले उसको यही बताना है कि आपने यू हैव टू ड्रॉ अ स्लैश देन अ स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन देन इन द एंड यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज फोर, ठीक है। और वो प्रॉपर फॉर्मेशन है राइटिंग के लिए। और इसी तरह से फाइव में भी बच्चे यूजुअली ऐसा करते हैं कि वो ऊपर स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करते हैं और देन स्लैश और हाफ सर्कल बना लेते हैं, वो फाइव बना देते हैं आपको। लेकिन आपने उनको बताना है, आपने डॉट लगाना है, उनको बताना है कि सबसे पहले आपने स्लैश, छोटा सा एक स्मॉल स्लैश ड्रॉ करें देन अ हाफ सर्कल, और उसके बाद एंड पर आपने ऊपर स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन डालना है और फाइव को कंप्लीट करना है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इसी तरह से सिक्स है, अ स्लैश एंड अ फुल सर्कल इज सिक्स। नंबर सेवन आप देख लें, नंबर सेवन स्लीपिंग स्ट्रेट लाइन एंड अ स्लैश इज सेवन। नंबर एट इज, आप देख सकते हैं एट के लिए थोड़ा सा बच्चों को आपने ट्रिकी बताना है तरीके से, कि आपने एक अगर एस बनाना है, एस बेसिकली एट जो है वो एस की शेप में होता है, लेकिन अगर उसको सपोज एस नहीं आता अभी बनाना, तो आप उसको ये कह सकते हैं हाफ सर्कल देन अ फुल सर्कल एंड अगेन उसको ज्वाइन करने के लिए जो हाफ सर्कल जो
बना के आपने उसको 8 की फॉर्मेशन सिखानी है। यूजुअली बच्चे 8 लिखने के लिए 2 0 बना देते हैं, 2 0s को जोड़ देते हैं आपस में वो, और वो 8 बन जाता है, लेकिन वो रॉन्ग है। आपने उनको जो प्रॉपर फॉर्मेशन है राइटिंग की वो ही सिखानी है, कि जिस तरह से आप एस बनाएं और उसके बाद हाफ सर्कल, 2 हाफ सर्कल्स के जरिए उसको ज्वाइन कर दें, अदरवाइज वही जो मैंने आपको बताया है, हाफ सर्कल देन अ फुल सर्कल और फिर अगेन हाफ सर्कल उसके साथ ज्वाइन करके 8 बनाए। 9 के लिए हाफ सर्कल जो कि सी शेप, सी भी आप बच्चे को कह सकते हैं कि जस्ट ड्रॉ अ सी, अदरवाइज हाफ सर्कल एंड देन अ स्ट्रेट लाइन इज 9, और 0 जो है दैट इज अ फुल सर्कल। ठीक है, अब 0 के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि 0 जो है फुल सर्कल तो है लेकिन उसकी शेप जो है वो एग्जैक्ट सर्कल की तरह नहीं है। 0 की शेप थोड़ी ओवल शेप में होती है जैसा कि आप देख भी रहे हैं, और 0 जब बच्चे को आपने लिखना है, बताना है उसको कि ये ओवल शेप में आएगा, आपने बिल्कुल राउंड सर्कल नहीं बनाना, क्योंकि राउंड सर्कल जो है वो ओ बन जाता है इंग्लिश अल्फाबेट, जबकि 0 की शेप ओवल में होती है, बिल्कुल राउंड नहीं होती है। राइटिंग फॉर्मेशन के साथ साथ बच्चे की राइटिंग ऑन कॉपी शुड बी नीट एंड इन प्रॉपर मैनर्स। बच्चे को स्टार्ट से ही कुछ ऐसी टिप्स बता दी जाएं जो कि उसको, जिससे उसको ये हेल्प मिले कि उसने कॉपी को किस तरह से अपना नीट नीट वर्क करना है कॉपी पर, क्योंकि DPS में कॉपी वर्क जब करवाया जाता है तो उसमें राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। नीट राइटिंग को हमेशा से ही क्रेडिटेबल कहा जाता है। तो इसमें मैंने ये स्लाइड इस आपको दिखाने के लिए बनाई है कि आप ये देख सकते हैं कि बच्चा जब लिखता है कॉपी पर, तो अगर उसको प्रॉपर गाइड ना किया जाए तो लिख तो रहा है, अब आप ये इनकरेक्ट फॉर्म में देख सकते हैं 0 1 2 3, उसने लिखा तो है और बिल्कुल ठीक लिखा है लेकिन ये एक अच्छा इम्पेक्ट नहीं दे रहा, जबकि आप करेक्ट फॉर्म में देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्रॉपर ऑर्डर में सब कुछ लिखा गया है और वो नीट इम्पैक्ट दे रहा है। तो आपने बच्चे को यही बताना है कि आपने इनकरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखना। करेक्ट फॉर्म क्या है कि आपने बॉक्स के अपर और लोअर जो लाइन है उसको टच करते हुए लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप 0 अगर लिखवा रहे हैं बच्चे को, तो आपने सबसे पहले तो उसको ब्लॉक के ऊपर एक डॉट लगा कर देना है, जो उसकी अपर वॉल है उसके ऊपर डॉट लगा देना है, और जैसे ही आप डॉट लगाएं बच्चे को आप बताएं, गाइड करें कि इस डॉट से आपने स्टार्ट करते हुए शुरू करना है और नीचे जो लोअर लाइन है उसकी उसको टच करते हुए वापस ऊपर आना है और उसको कंप्लीट करना है नंबर को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0 आप अपर और लोअर लाइन को टच कर रहा है लेकिन राइट और लेफ्ट टच नहीं कर रहा, इट मीन कि जो नंबर लिखा जाए वो बिल्कुल ब्लॉक के मिड में लिखा जाए। ठीक है, इसी तरह आप 1 भी देख सकते हैं कि अपर और लोअर वॉल को टच कर रहा है वो बॉक्स की, लेकिन राइट लेफ्ट को टच नहीं कर रहा और बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, जबकि आप इनकरेक्ट फॉर्म में देख सकते हैं कि जैसे 0 बच्चा छोटा सा लिख रहा है ब्लॉक के मिड में, 1 ब्लॉक से बाहर जा रहा है, 2 जो है साइड पर है, इसी तरह 3 जो है वो बड़ा है और एक कॉर्नर को जा रहा है। तो जब बच्चा 0 to 50 तक काउंटिंग लिखता है और अगर इस तरह से लिखेगा तो ऑब्वियसली वो कॉपी एक नीट इम्पैक्ट नहीं देगी, जबकि करेक्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं कि अगर इसी तरह से जैसे मैंने बताया है कि अपर और लोअर वॉल को टच करना है, राइट लेफ्ट को टच नहीं करना और सेंटर में लिखना है, तो जब बच्चा काउंटिंग लिखेगा तो वो बहुत ही नीट इम्पैक्ट देगा और बहुत खूबसूरत लगेगा, और DPS की राइटिंग ग्रेस यही है कि हम बच्चे को इस तरह से करवाते हैं ताकि उसकी कॉपी नीट लुक दे। एक चीज मैं बताना चाहूंगी वो ये कि जब आपने राइटिंग करवानी है बच्चे से तो उसको ये जरूर बताना है कि उसने एक ब्लॉक छोड़कर लिखना है, जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा जहां मैंने सीक्वेंस से राइटिंग काउंटिंग की हुई थी, वहां पे आपने नोट किया होगा कि हमने एक एक ब्लॉक छोड़ के लिखा है। आपने उसको स्टार्ट से ही बताना है कि बेटा यू हैव टू राइट
यू हैव टू लीव वन ब्लॉक, ठीक है। जैसे जीरो आपने एक ब्लॉक में लिखा है तो नेक्स्ट ब्लॉक आपने स्किप करना है और उसके नेक्स्ट में आपने वन लिखना है, फिर एक ब्लॉक स्किप करके दूसरे ब्लॉक में टू लिखना है। इससे आपकी राइटिंग जो है और एक प्रॉपर मैनर में आ जाएगी और बहुत नीट इम्पैक्ट देगी। बच्चे को राइटिंग करवाते वक्त आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्म में प्लेसमेंट में ये देखा जाए कि आया बच्चा जब यूनिट से नेक्स्ट स्टेप पर आता है यानी टेंस लिखता है तो उसके लिए चूँकि टेंस टू डिजिट्स हो जाते हैं, डबल नंबर हो जाता है, तो उसके लिए ब्लॉक भी उसने सेपरेट ही यूज़ करने हैं। यानी ऐसा ना हो कि बच्चा जिस तरह से 0, 1, 2, 3 एक ब्लॉक में लिख रहा है, इसी तरह से वो 10, 11, 12, 13 भी वो एक ही बॉक्स में लिखता जा रहा है। उसको आपने ये बताना है कि चूंकि इनका लेवल इंक्रीज हो गया, ये यूनिट से अब टेंस बन गए हैं, सिंगल डिजिट से ये डबल हो गए हैं, तो लिहाजा आपने उसका एक नंबर एक बॉक्स में लिखना है और दूसरा नंबर दूसरे बॉक्स में लिखना है। जैसे कि आप ये करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्म में देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे उसी तरह से 10, 11, 12, 13 लिख रहे होते हैं, मतलब उनको नहीं पता होता। ये पेरेंट्स ने गाइड करना है उनको, जैसे हम स्कूल में गाइड करते हैं कि टेंस लिखने के लिए आपने वन अलग लिखना है और ज़ीरो अलग, 11 के लिए इसी तरह वन अलग और दूसरा वन अलग लिखना है। यानी वन के नीचे सारे टेंस आएंगे और जीरो के नीचे सारे यूनिट्स लिखे जाएंगे। एक चीज़ जो आपने बतानी है बच्चों को बहुत ज़रूरी है वो ये कि प्लेसमेंट जब आप कर रहे हैं तो लिखना आपने उसी तरह से है, यानी 10 की फैमिली 19 तक लिखनी है और 20 उसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉक में आपने लेकर जाना है। नेक्स्ट बॉक्स से वो स्टार्ट करते हुए 20 की पूरी फैमिली कंप्लीट करेंगे। और एक चीज़ जो मैं पेरेंट्स को स्पेशली कहना चाह रही हूँ वो ये कि काइंडली जो क्लास वर्क स्कूल में करवाया जाता है या जिस तरीके से कॉपी वर्क हुआ होता है बच्चों का, उसी को फॉलो करते हुए आप होमवर्क करवाएं। अक्सर मेरे पास ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स समटाइम नहीं ध्यान करते और बच्चा जब घर से स्कूल में तो उसने उसी तरह से काम किया होता है जैसे कि ये करेक्ट फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ बता रही हूँ, लेकिन जब वो घर से काम करके आता है तो वो उसने एक ही ब्लॉक में 10, 11, 12, 13 इस तरह से लिखा होता है, उसको सेपरेट बॉक्सेस में नहीं लिखा होता। तो बच्चा जब हम स्कूल में करवाते हैं तो वो सेपरेट बॉक्सेस में होता है, बच्चा इस तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि आया करेक्ट फॉर्म कौन सी है, क्योंकि घर से वो कोई और पैटर्न को फॉलो कर रहा है, स्कूल में वो किसी और तरीके से समझ रहा है। तो काइंडली पेरेंट्स भी इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करें, वो ये कि क्लास वर्क की जो कॉपी आपके पास आती है, नोटबुक जब घर में आती है, उसमें जो होमवर्क दिया गया होता है, पहले आप क्लास वर्क को अच्छे तरीके से एक दफ़ा ऑब्जर्व कर लें कि किस तरह से काम करवाया गया है और बिल्कुल उसी तरह से आप बच्चे को होमवर्क भी करवाएं। और उसी तरह से जब बच्चा दोबारा से समझेगा काम करेगा तो उसको आसानी हो जाएगी, उसकी एक प्रॉपर री इन्फोर्समेंट होगी। नर्सरी लेवल पे बच्चों को स्पेलिंग कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं आपके साथ एक दो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ शेयर करना चाहती हूँ। चूँकि नर्सरी में बच्चों को 0 to 9 तक स्पेलिंग सिखाए जाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को एकदम से अगर हम ज़ुबानी उनको सिखाना शुरू कर देते हैं ZERO, ONE, तो उनके लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं ये रहता। मतलब ज़ाहिर है बच्चा हमेशा लर्निंग वहीं से करता है जहाँ उसका इंटरेस्ट भी हो, लिहाजा लर्निंग के लिए इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अपना आपको तरीका शेयर करूँगी कि हमने बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए स्पेलिंग्स के भी और नंबर्स के भी। आप खुद घर में भी बना सकते हैं, आप मार्केट से चार्ट पेपर खरीद के उसके छोटे छोटे से कार्ड्स बना लें फ्लैश कार्ड्स की सूरत में, और आप हाफ कार्ड्स के ऊपर 0 to 9 तक नंबर्स लिख दें और बाकी हाफ कार्ड्स के ऊपर स्पेलिंग्स लिख दें 0 से 9 तक के।
तो उसके बाद आप बच्चे को सबसे पहले नंबर्स दिखाएंगे फ्लैश कार्ड्स की मदद जरिए, और उसको उनकी रिकॉग्निशन चेक करेंगे। जब आप देख लेंगे कि बच्चा को नंबर्स की रिकॉग्निशन है, तो उसके साथ साथ आप फिर बच्चे को पूछेंगे कि आपको पता है ये 0 जो आपने बोला है इसके स्पेलिंग्स क्या हैं। फिर उसके साथ साथ आप स्पेलिंग वाला फ्लैश कार्ड 0 के साथ रखेंगे, उनको बताएं कि ये लर्न करें स्पेलिंग को, तो वो लर्न करेगा जब CER O 0। इस तरह से 3-4 दफ़ा आप रेपिटिशन करवाएंगी नंबर्स की भी और स्पेलिंग कार्ड्स की भी। तब जब ये बार बार बच्चा लर्न करेगा, देखेगा, वो उसकी नज़रों से गुजरेगा, गो थ्रू होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके जहन में ये फिक्स हो जाएंगे। और ये एक एक्टिविटी हो गई कि जिसमें आपने सिर्फ शो करवाया है बच्चों को नंबर्स भी और उनके स्पेलिंग्स भी। अब नेक्स्ट स्टेप पे दूसरी एक्टिविटी फिर आप इस तरह से करेंगे कि आप कोई भी नंबर बच्चे के सामने रखेंगे, जस्ट लाइक 2 रख दिया आपने, और आप उसको पूछेंगे कि ये विच नंबर इज दिस। जैसे ही वो आपको नंबर बताएगा, आपने उसको कहना है कि इसका मैचिंग स्पेलिंग जो है 2 का जो स्पेलिंग मुझे फाइंड आउट करके आप दिखाएं। इन फ्लैश कार्ड्स को जंबल अप किया होगा आपने, उसमें से बच्चा जैसे ही TWO 2 वाला फ्लैश कार्ड पिक करेगा और वो 2 के साथ उसको रखेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको भी आइडिया हो जाएगा कि बच्चे ने उसकी रिकॉग्निशन भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और उसको स्पेलिंग्स का भी पता चल चुका है। तो इस तरह की छोटी सी एक्टिविटीज़ जो हैं आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा खेल खेल में लर्न करता है और वो स्पेलिंग्स का कॉन्सेप्ट भी सीखेगा और साथ में नंबर्स की रिकॉग्निशन भी होती जाएगी। उसके बाद आप उन्हीं फ्लैश कार्ड्स की मदद से उनको जंबल अप करके बच्चे को मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं। जस्ट एक लाइन में आपने सीक्वेंस डिफरेंट रैंडमली आपने नंबर्स लगा दिए हैं और बच्चे को कहें कि उसके फ्लैश कार्ड जो हैं उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ उठा के उनके साथ उनके आगे उसकी प्लेसमेंट करता जाए। तो उसके बाद जब ये बच्चा फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए लर्न कर लेता है, तो फिर हम उसको कॉपी पे लेकर आते हैं। कॉपी पे लिखने के लिए आप उसको इसी तरह से एक लाइन में ही, चूंकि ये 0 से 9 तक यूनिट्स हैं सारे, तो एक ही लाइन में आपने उनको 0 to 9 तक लिखवाना है और उसके आगे उनके स्पेलिंग्स बच्चे से लिखवाने हैं। चूंकि बार बार फ्लैश कार्ड देखने से बच्चे को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आप उसको जुबानी ही अगर पूछते हैं ना SEVEN, तो वो फौरन बोलेगा 7, NINE 9, फौरन वो आपको आंसर करता है। और इसी तरह से वो जब लिखेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें सब रिकॉल होंगी उसके माइंड में और वो बहुत आराम से अच्छे तरीके से उसको स्पेलिंग्स को लर्न भी करेगा और लिख लेगा। दिस वॉज द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।